आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत पर। आज क्राइम फ्री भारत ने दो अपील की है। एक अपील जो है मिस्टर नितिन गडकरी से की है, जिसमें सीएफबी ने कहा है कि एक्सीडेंट फ्री भारत कैसे पैदा होगा। मुझे विश्वास है कि मिस्टर नितिन गडकरी तक वो बात पहुंचेगी, और चूंकि वो खुद ही बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, उन्होंने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उसके लिए रिसोर्स पैदा करने की भी उन्होंने एक मैकेनिज्म पैदा की है। उनका एनर्जी के बारे में भी अपना बहुत अच्छा आइडिया है, जिसमें वो मीथेन, इथेनॉल, सीएनजी एंड गन्ने से और बाकी से कैसे क्रिएट करना है एंड हाउ टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन, हाउ टू यूज सोलर सिस्टम and how to really go for the electrical vehicles and all those things जो है के बारे में उनके बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं, और चूंकि वो खुद भी मिनिस्टर हैं तो उनके पास एक वेवलेंथ अवेलेबल है, एक मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसको वो बहुत अच्छे ढंग से प्ले कर रहे हैं। यह भी अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर से वन टू वन बात की है, और एथेनॉल से गाड़ियाँ चलाने के लिए हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि उसमें कुछ फिल्टर विल्टर थोड़ा बहुत बदलना होता है, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। सो मेजोरिटी ऑफ ऑल व्हीकल विल स्टार्ट रनिंग ऑन एथेनॉल, तो हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके भी कर सकते हैं और आगे चल के एथेनॉल, प्योर एथेनॉल पे भी गाड़ी चला सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो हमारी एनर्जी नीड जो है ना, के लिए हमें बाहरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा। आज हमने दूसरी अपील जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से की है, जिसमें हमने ये कहा है कि क्राइम फ्री भारत कैसे जो है ज्वाइंट वेंचर के तहत किसानों को जोड़ेगा, जो फलों की नर्सरीज लगा रहे हैं वो नर्सरी वालों को जोड़ेगा, क्या बनाना है, कितने किस तरीके के प्लांट पैदा करना है, इसकी जो है ना गाइडेंस तैयार करेगा। वो जो है जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके डिवाइसेस में वो आइडेंटिफाई करेगा, उसमें उनको पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको भी ज्वाइंट वेंचर के तहत जो है पार्टनरशिप में लाएगा, और जो इक्विपमेंट हैं उनको अडॉप्ट करते हुए उनको कैसे स्मार्ट इक्विपमेंट में कन्वर्ट किया जाए, कैसे उसमें आरएफआईडी लगाई जाए, कैसे जीपीएस लगाया जाए, कैसे आईओटी डिवाइसेस लगाए जाए, जिससे इंडिविजुअल जो है इफिशियंसी को कैप्चर कर सके, और फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ह्यूमिडिटी को भी कैप्चर करना चाहते हैं। सीएफबी का एक कमिटमेंट है कि कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी समाज उद्दंड होती जा रही है, उसको अच्छी चीज़ें नहीं परोसी जा रही हैं, लिहाजा ह्यूमिडिटी इंडेक्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक वो हमारी बात पहुँचेगी, और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी हर बच्चे की बात भी सुनने में उतनी ही रुचि रखते हैं, तो क्राइम फ्री भारत जो इस देश का फेस एंड फिट बदलने की क्षमता रख रहा है, जो कि इस देश को बिगेस्ट जो है आरएनडी हब ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करने की सोच रखता है, जिसने कॉस्ट और करेंसी दोनों पर अपने मॉडल के तहत विजय पाई है, और एक धन वर्षा का एक मॉडल लाया है जिसमें कि केमिकल्स भी विलुप्त होंगे, हार्मोनल सब्सटेंस भी विलुप्त होंगे, और जो ये नकली चीज़ें बन रही हैं इंक्लूडिंग दूध, वो सब भी जो है ना केवल विलुप्त होंगी बल्कि अमृत तुल्य चीज़ें जो है अबंडेंस में अवेलेबल होंगी। तो केवल बड़े लोग ही उनका सेवन नहीं करेंगे बल्कि वो अमृत तुल्य चीज़ें जो है सीएफबी के वर्कर्स को भी अवेलेबल होंगी। सीएफबी के वर्कर्स की जो बाइक कैपेसिटी है वो मिनिमम 48,000 रुपीज इक्विवेलेंट ऑफ द रुपी जो है ना कि परचेजिंग पावर को क्रिएट करने की क्राइम फ्री भारत की सोच है, और उसका मानना है कि एक फैमिली में चार वर्कर होंगे तो एक फैमिली की इनकम जो है 2 लाख रुपए पर मंथ के इक्विवेलेंट उसकी परचेजिंग पावर लाने की है। यही कारण है कि क्राइम फ्री भारत का ये सोचना भी है कि हमारे लोग जो है सब्सिडीज का यूज ना करें, जिससे सब्सिडीज जो है that should be available for the larger development of the country. मुझे भरोसा है कि ये तमाम खसूसियत
जिसमें कि हम नॉलेज और अवेयरनेस को नहीं बांट रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए, ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से 20-80 का जो है प्रॉफिट रेशियो रखते हुए, अपने जो है सीएफपी वॉलेट के माध्यम से करेंसी को भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कॉस्ट को भी एलोकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं रीअलोकेट कर रहे हैं, और इस तरीके से कॉस्ट और करेंसी पर विजय पाते हुए जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको विलुप्त कर रहे हैं और जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उनको इजाफा कर रहे हैं। तो नेगेटिव चीजें में कॉमिक केमिकल्स, हार्मोन्स एंड अदर नेगेटिव जो बम्बार्डिंग हो रही है उसको खत्म किया जाएगा, और चूंकि उसका पॉजिटिव फैक्टर गायब हो जाएगा तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आने वाले 4-5 साल में हम जो है कैंसर को भी विलोपित कर पाएंगे, हम ऑटोनोमस डिसीजेस को भी विलोपित कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी वायरस या किसी कैंसर से नहीं हो रही है, सॉरी वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं हो रही है, उनका पॉजिटिव फैक्टर्स है केमिकल्स की ओवरडोज, जिससे कि हमारी खुद की सेल एजिटेट हो गई है और वो बेनाइन की जगह मेलाइन हो गई है और एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है, या एक सेल अपने ही बॉडी के दूसरे सेल को नहीं पहचान रही है और उसको मारने के लिए उतारू हो गई है बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडीज। दीज आर द टू बेसिक रीजंस फॉर ऑल काइंड ऑफ द नॉनसेंस। क्योंकि इन्वायरमेंट से जो नेगेटिव फैक्टर्स विलोपित हो जाएंगे, ऑक्सीजन की एनरिचमेंट बढ़ जाएगी, पानी पुनः जो है 8 से 10 फीट के ऊपर आ जाएगा, और ड्रॉट और फ्लड की भी प्रॉब्लम को हम एक बड़े स्तर पर जो है ना दूर कर पाएंगे। ऐसा प्रभावशाली सिस्टम मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को पसंद आना चाहिए, और उनका जो है प्रश्रय और उनका जो है आशीर्वाद जो है सीएफपी को प्राप्त होना चाहिए। ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। ये दोनों वीडियोस मैं अपेक्षा करता हूँ कि कल तक अपलोड हो जाएंगे, और आज की चर्चा जो का विषय है कि कैसे जो है उन सब चीज़ों को जमीन पर अवतरित किया जाए जिससे कि क्राइम फ्री भारत का जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है एंड इंटेंडेड प्रोटोकॉल भी है। ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम हेल्थ, वेल्थ और क्राइम फ्री भारत को पैदा करें, और कमिटमेंट भी है कि वह जो है ज्ञान को नहीं बांटेगा, वो अवेयरनेस को नहीं बांटेगा, बल्कि जिसको जरूरत है उसको इक्विपमेंट देगा, टूल्स देगा, मशीनरी देगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा, और सभी चीज़ों को स्मार्ट बनाते हुए ग्राउंड पे उसे एज ए प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है ना उपलब्ध कराएगा। इस बैकग्राउंड नोट के साथ मैं विकास धनकर जी का स्वागत करता हूँ इस पर चर्चा में। मेरे ख्याल से यह हमारी तीसरी चर्चा है, और मैं उनसे को मैंने टास्क दिया था कि वो सोचें और अपनी भूमिका देखें, कहाँ पे वो गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, कहाँ पे उन्होंने सोचा है कि व्हाट एग्जैक्टली ही थॉट ऑफ। तो आइए सुनते हैं विकास धनकर जी। जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? या बेसिकली जो अभी आपने मैसेज दिया है प्रधानमंत्री जी के लिए और नितिन गडकरी जी के लिए, वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि वो इसकी ओर ध्यान देंगे, और उससे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर उनका सहयोग रहता है, अगर सरकार का किसी भी चीज में सहयोग रहता है, तो उसको करना बहुत ही आसान हो जाता है हम सब के लिए। और इस पूरे सिस्टम के लिए जो मैंने आपसे समझा है कुछ पुरानी मीटिंग्स में, उसके लिए मैंने जो यहाँ से प्लान किया, कुछ लोगों से बात की है, कुछ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या टेक्निकल चीज़ें जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उनको हम अपने साथ लाने की प्लान कर रहे हैं, कोशिश में भी हैं। अब जितना हम सफल हो पाएंगे उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी हो पाएंगे वो भी अच्छा है। तो अभी जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं उसमें यही था कि हमारा जो फाइनेंशियल मॉड्यूल रहेगा, हमारी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, तो उसमें जो मिस्टर गुप्ता से जो आउटपुट मिला था कि हमारे जो सोर्सेज हैं उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अभी आज का जो हमारा प्लान है, जो मैं खुद एक बार फिर समझना चाहूँगा कि जो हमारी एक हायरार्की सिस्टम है, उस हायरार्की सिस्टम में कितनी चीजें हम डेवलप कर चुके हैं और जो अभी पेंडेंसी में है,
कि ये पार्ट हमें अभी और करना है, वो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, जिससे कि मैं उस पर आगे बता पाऊँ कि ये चीजें इतने टाइम में और ये हम कर पाएंगे आगे। जी अभी आप एक समझ ये बात समझ लीजिए, मोटे तौर पे बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं जो किसी भी प्रोडक्ट डिलीवरी फॉर्मेट में नहीं आ पाई हैं। इनको डेवलप कराने के दो या तीन तरीके निकाले गए थे। एक तो जो है एज ए डीजी प्लस रिफॉर्म हमने 53 यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया था एंड आई वाज द बेसिकली प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट गाइड फॉर देयर माइनर मेजर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। और हमने उसमें क्राइम फ्री भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जली इट वाज मोर इंटेंडेड टू द 5 सर्टेनिटीज ऑफ द क्राइम फ्री भारत, उसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विदाउट जो है ना गोइंग टू थाना, इसका मॉड्यूल क्रिएट किया था। लेकिन अभी भी वो हालांकि उसके ऊपर रिवार्ड मनी दे दी गई है, लेकिन वो मॉड्यूल अभी भी जो है इंटीग्रेशन के लिए सबमिट नहीं किया गया है। बीच में कोरोना पीरियड के कारण जो है ना हमारी गति बाधित हुई है। बहुत सारे जो है छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो कि सेकंड सर्टेनिटी के लिए है, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन को क्रिएट किए गए हैं, उनको भी गैप्स को आइडेंटिफाई करके फाइन ट्यून करना। देन एक कुछ लोगों से चर्चा की गई है, लेकिन अभी उसमें कोई बहुत यात्रा नहीं है और बहुत कठिन काम भी नहीं है। जो आपका अभी एक कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, इसको रीडेजिग्नेट करके एक वर्चुअल कोर्ट ट्रायल और का सिस्टम के रूप में इवॉल्व करने की स्ट्रेटेजी है, जिसमें कि विटनेस की जो है कन्वीनियंस को फैक्टर इन किया जाएगा, जिसमें कि विटनेस के तीन प्रोटोकॉल रखे गए हैं। पहले तो जो है ना इट स्टार्ट विद द कि हाउ वी कैन हेल्प आउट द कोर्ट इन इश्यूएंस ऑफ द समन्स एंड वारंट, नंबर वन। Second, how to help out making use of the CFB volunteer to execute those summons and warrant almost same day, right? And without involving police, because one of the objective of the whole scheme of thing was to de-burden police also, so that the police can attend to the core subject areas rather than wasting the time on the peripheral issues. जी. Then second उसमें सोचे थी कि how to factor in and give the respect to the witness. So witness convenience का एक फंडा उसमें जो ना सोचा गया था कि system will tell कि depending कि जो एक periodicity Supreme Court ने तय की हुई है, उस सबको factor in करके जो case है उसका कितने frequency पे trial लगना चाहिए, whether it should be in a week or 15 days or 1 month. हालांकि आगे हमारी सोच है कि सभी ट्रायल नॉन स्टॉप 24 आवर चलेंगे। हमारी सोच ये है कि हम जो है n नंबर ऑफ कोर्ट रूम्स रखेंगे, जिसमें कि जो उस तरीके के जुड़े हुए लोग हैं उनको 15-20 डेज की ट्रेनिंग देके स्पेशलाइज सब्जेक्ट का जज बनाया जाए, राइट? जी। और बैकएंड इंजन विल इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड अदर थिंग्स। तो उन न्यूएंसेस के लिए जो है ना वो जज महोदय को बहुत एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द बैकएंड इंजन विल इंश्योर कि नेचुरल जस्टिस इज ग्रांटेड एंड द प्रोसेस विच हैज बीन प्रोवाइड विद द लॉ इज ऑब्जर्व विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द जज और मजिस्ट्रेट, राइट? अब जो है हम आप जैसे सैकड़ों लोग जो है जिनको अपने अपने एरिया का बहुत सारा अनुभव है, उनको जिस स्पेशलाइज एरिया का हम जज बनाना चाहते हैं, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग देके दे कैन बी अपॉइंटेड एन एडहॉक जज एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर जो है ना दे आर डिलीवरिंग, उसके हिसाब से उनको एवरी डे दे विल बी गेटिंग द रेवेन्यू जो है ना स्ट्रीम, राइट? सो दैट विल बी ए किक कि जितना वो ज्यादा डिस्पोज ऑफ करेंगे उतना उनको जो है ना रेवेन्यू। सर मैं बोलना चाहूंगा, इसमें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा सेकंड पार्ट हम लेके चलें, जो मैंने प्लान अभी आपसे बात करके जो मुझे अभी, लग रहा अभी, है अभी तो कर लेते हैं, डोंट वरी, अभी लेस, चूंकि आपने कहा क्या कर लिया है क्या सोचा है तो फिर उसको उसी सीक्वेंस में चलने देते हैं जी। तो बेसिकली ये मॉड्यूल जो है बाकी सब मॉड्यूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन सिस्टम में आ रहा है जस्टिस डिलेज या जस्टिस डिनाइड जी। और कानून बहुत अच्छा बना है, संविधान बहुत अच्छा बना है, लेकिन
हम संविधान को सब्जेक्टिवली अपने हित में इंटरप्रेट कर रहे हैं और हमने सिस्टम को इतना लीवे दे दिया है कि वो अपने आप में जो है महान बन गया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी टू द लॉ बिकम जीरो। ये सिस्टम जो है ना उस अकाउंटेबिलिटी को जो है वापस लाएगा एंड देयर विल बी अ वेरी रोबस्ट सिस्टम कि अधिकारियों को तो छोड़िए, सरकार को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो वो जिस संविधान की व्यवस्था के तहत सत्तारूढ़ हुआ है उसी व्यवस्था के तहत 356 में वो डिमोलिश भी हो जाएगा। जी, हमने उसको जबरदस्ती वो गुरूर दे दिया है कि वो सबसे ऊपर है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं है, वो सही मायने में जनसेवक है, राइट। तो इसमें जो तीसरी प्रोबेबिलिटी जो है सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, उसमें जो है ना क्राइम फ्री भारत की सोच है कि वो जुडिशरी की इतनी मदद करेगी कि हम जो है जो वर्तमान ट्रायल्स हैं उनको 15 दिन में पूरा कर पाएंगे और पुरानी पेंडेंसी जो कि अब 4 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है, और ये 4 करोड़ तब पहुंच रही है जब हम अपराधों का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। जब हम सभी अपराधों का कॉग्निजेंस लेने लग जाएंगे तो ये 4 करोड़ कब 40 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा जो है ये हमें वी हैव टू थॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलोन विल नॉट डू, डिटेक्शन अलोन विल नॉट डू, चालानिंग अलोन विल नॉट डू, वी हैव टू कम आउट विद ए रोबस्ट जो है ना जुडिशियल ट्रायल सिस्टम जिसमें कि जो रूटीन और रेगुलर जजेस के अलावा उससे 10 टाइम्स और 15 टाइम्स और 100 टाइम्स एडहॉक जजेस ज्यादा होंगे, एंड एनीबॉडी कैन बी एडहॉक जज, गांव का बंदा भी एडहॉक जज हो सकता है, आप भी एडहॉक जज हो सकते हैं, मैं भी एडहॉक जज हो सकता हूं। उसको जो है नुआंसेस के बारे में जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है वो दे दी जाएगी, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ विल इंश्योर कि रूल का कंप्लायंस, सीआरपीसी का कंप्लायंस हो, ये बैकएंड इंजन ही इंश्योर कर लेगा, तो उसके बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ही शुड हैव द रोबस्ट कॉमन सेंस टू डिलीवर जस्टिस। और सीएफबी की ऐसी सोच है कि 15 दिन में जो है उसे केस का निकाल करना है और 3 से 6 महीने पर मैं उसको इवन प्रेसिडेंशियल यदि उसमें इंटरवेंशन की जरूरत होती है, दयाचिका की जरूरत होती है, तो 6 महीने में तो वो दयाचिका भी हो जाना चाहिए। और वो आज का जो ढीला ढाला राग है कि सिक्वेंशियली लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो वैसा नहीं होगा। जजमेंट के साथ ही उससे कहा जाएगा कि देखो दिस इज द जजमेंट, डू यू वांट टू दिस अपील, क्लिक द बटन। तो वो ये बात आपको 24 घंटे में डिसाइड करना पड़ेगी कि हम उसमें जाना चाहते हैं। तो हम जो है ना पूरी जस्टिस को की प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हुए, वर्तमान प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हुए, फिर भी जो है हम जो है ना आने वाले 2 साल में ये 4 करोड़ की पेंडेंसी को जो है ना निकाल करना है और रेगुलर केस में हमें 15 दिन में जजमेंट देना है और उसको अपील और मास्टर अपील्स के साथ ही जो है उसको जो है 3 से 6 महीने में के बियॉन्ड कोई केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, ऐसी मैकेनिज्म हमको लाना होगी। हमें जुडिशरी को ऐसी मैकेनिज्म क्रिएट करने में मदद करना होगी क्योंकि जस्टिस डिलेड है जस्टिस डिनाइड, और हमारा जो लोगों को क्राइम जो इंसेंटिव दे रहा है वो इसलिए दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिले प्रोसेस। पहला इंसेंटिव आ रहा है कि पुलिस कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 2 पुलिस निकम्मी है, पुलिस जो है ना ने अपनी वो प्रोफेशनलिज्म डेवलप नहीं की है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो हमारा इंजन बैकएंड इंजन सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर से भी 100% डिटेक्शन करा लेगा, वो उन सब चीजों को कैप्चर कर पाएगा जो कि आज के प्लेयर्स कैप्चर कर रहे हैं, आज के ऐप कैप्चर कर रहे हैं, और चूंकि वो उसमें इतना कंपाउंडेशन फीस का चक्कर चला देगा कि पुटिंग दोज कैप्चरिंग डिवाइसेस वुड बी इटसेल्फ इज ए इनकम जनरेशन अवेन्यूज। तो हम और आप इंटरेस्टेड होंगे कि यदि हमें 100 ऐसे अवेन्यूज मिल जाएं तो वी विल बी गेटिंग ए रेगुलर इनकम आउट ऑफ इट। हेंस जो है कैप्चरिंग ऑफ द थिंग्स वुड नॉट बी एन इश्यू। जब आप इतनी ज्यादा चीज संख्या में चीज जो है डिवाइसेस से कैप्चर करेंगे, सीसीटीवी से कैप्चर करेंगे, आईओटी डिवाइसेस से कैप्चर करेंगे और ह्यूमन ऐप से कैप्चर करेंगे तो वर्चुअली यू विल बी नोइंग एवरीथिंग पॉसिबल। एंड इसीलिए हमने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू बीपीआरएनडी सबमिट किया है जिसका नाम हमने दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी उस ड्राफ्ट को और रिफाइन करने के लिए हम
एनएलयूआई के प्रोफेसर और स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं, सो दैट वो रिफाइनमेंट जो कि वी आर एक्सपेक्टिंग विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, क्योंकि बीपीआरएनडी हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, लिहाजा हम वो रिफाइनमेंट भी अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक्ट में हमने दो बड़ी चीजें दी हैं कि जो चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी है वो भी जो है ना आपकी प्राइवेसी को हनन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने इसका एक निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। अभी जो चित्रगुप्त है जब आप मरते हैं तो वो आपकी फिल्म किसी दूसरे को नहीं दिखाता है, वो आपकी फिल्म आपकी वीडियो क्लिप आपको दिखाता है कि देखो आपने ये पुण्य किया आपने ये पाप किया, और फिर आपको कंसल्टेशन से मार्क देता है और फिर कहता है कि आपका कट ऑफ जो है ना नरक के फेवर में है या स्वर्ग के फेवर में है। तो ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त हम भी पैदा करेंगे। तो ईश्वर ने अपना चित्रगुप्त पैदा किया है जो हर चीज की अकाउंट रखता है, ऐसे ही सीएफबी का अपना चित्रगुप्त होगा जो कि गवर्नमेंट का भी होगा, लेकिन वो आपकी राइट टू प्राइवेसी का भी ध्यान रखेगा और वो जो है साइबर क्राइम का भी ध्यान रखेगा। तो कोई जो जो धनुर्धारी यदि उसमें घुसने की भी कोशिश करेगा तो घुसने की कोशिश भी अपने आप में एक क्राइम होगी और वो 7 साल के अंदर जेल चला जाएगा। तो चूंकि ये बड़े बड़े विद्वान जो है जो भी गड़बड़ी करते हैं वो इजी मनी के लिए करते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, अच्छे घर में रह सकें, देश विदेश घूम सकें, 5-star होटल में रुक सकें। जब उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ बीइंग कॉट, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड विद इन 15 days, तो उनको जो है ना ये गड़बड़ी करने का ख्याल भी दिमाग से नहीं आएगा। और जिन दुष्ट लोगों को दिमाग में ख्याल आ जाएगा उनको एक दो बार जेल की यात्रा हो जाएगी 7-7 साल की, तो फिर वो उनके बच्चों को भी दिमाग में कभी ख्याल नहीं आएगा, राइट। और फिर जो है इट इज हैविंग दैट इंजन टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन टू कमिट क्राइम। तो क्राइम कमिट करने के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बैकएंड इंजन उन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करके इट विल बी इन पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि मिस्टर विकास जो है ना क्राइम करने के इंटेंशन से जा रहे हैं, उनके साथ ये लोग हैं, इस गाड़ी में जा रहे हैं और ये कल वहां गए थे तो इन्होंने यहाँ रैकी किया है, तो संभावना है कि वहां पे क्राइम करेंगे। एंड उसके इंटरमीडिएट नोट्स को अलर्ट किया जाएगा कि प्लीज कीप एन आई एंड द मोमेंट मिस्टर विकास इज पासिंग थ्रू यू प्लीज इंडिकेट, एंड देन बैकएंड इंजन विल डिसाइड कि मिस्टर विकास को कहाँ पकड़ना है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 90% केसेस में वी वुड बी इन पोजिशन टू कैप्चर क्रिमिनल बिफोर ही कुड कमिट द क्राइम, और 10% कोशिश में जहाँ हम सफल नहीं होंगे वहां प्रॉम्प्टली हम कॉग्निजेंस लेंगे, प्रॉम्प्टली उसको डिटेक्ट करेंगे और 15 दिन में उसको प्रोसिक्यूट कर देंगे। तो इंसेंटिव टू कमिट क्राइम विल वैनिश, राइट। अब जो है मैं जनरली ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूं कि ऐसे क्राइम फ्री भारत आ जाएगा, और मेरा अपना आंसर होता है कि नहीं, क्योंकि यदि मेरा पेट खाली है तो हम जेल जाने के लिए क्राइम करेंगे। जेल के लिए जाएंगे तो हमें वहां खाना मिलेगा, एक छत मिलेगी, खेलने के लिए आजकल अच्छी व्यवस्था है, टीवी की व्यवस्था है, मैगजीन की व्यवस्था है, तो बड़ा अच्छा है। बाहर की जिंदगी जो है जेल से ज्यादा कठिन है। तो जब यदि कोई क्राइम जो है जेल जाने के लिए करेगा तो क्या ऐसे क्राइम को क्राइम फ्री भारत रोक पाएगा? तो उसका जवाब है नो। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जब आपको सब कुछ भी मालूम है क्रिमिनल्स के बारे में तो उन क्रिमिनल्स की स्किल सेट को आइडेंटिफाई करिए और उनको सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दीजिए, जिससे दे कैन लिव एज ए गुड सिटीजन एंड द पॉपुलेशन और क्रिमिनल पॉपुलेशन टू कमिट क्राइम दैट विल बी रिड्यूस टू ए ग्रेट लेवल। और जैसे जैसे जो है इंसेंटिव टू कमिट क्राइम विल बी वैनिशिंग विद सर्टेनिटी, द इंटेंशन टू कमिट क्राइम विल आल्सो वैनिश। और कहा गया है कि यदि किसी चीज को 21 दिन तक हम रिपीट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ये वैदिक नॉलेज है कि वो हमारे उसमें इनग्रेन होना चालू हो जाता है और 90 दिन में वो फिक्स हो जाता है। तो ओवर द पीरियड हम जो है अपने भारत पॉपुलेशन को पुनः जो है उसके वैल्यू सिस्टम में, उसके ज्ञान में और उसके एहसास में, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में एक अच्छा जो है ना चरित्र डाल पाएंगे। अभी चारों तरफ से जो है ना जो चीजें हैं वो नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। तो ये जो है एक क्राइम फ्री भारत के बारे में बात हुई।